तो यहाँ पे मैं सोजी की खीर बनाने वाली हूँ। मैं हल्के से सोजी को रोस्टेड कर ली हूँ। तो नो मिल्क मेड, नो खोया, एकदम डिलीशियस रेसिपी देने वाली हूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसके लिए क्या क्या चाहिए वो सब मैं यहाँ देती हूँ। काजू, अंजीर, बादाम। तो यहाँ पे मैं ये 1 कप एकदम क्रीम मिल्क ली हूँ, जिससे हमारा का अच्छे से टेस्ट आता है। और यहाँ पे 1/2 कप शुगर, इतना ही चाहिए हमें। तो चलिए रेसिपी की तरफ। मैं यहाँ पे एक शक्कर चढ़ाई हूँ, उसमें थोड़ा सा घी डाली हूँ। अब घी जैसे ही गर्म होता है, मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। स्लो आंच पर रख के गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। हमारे ड्राई फ्रूट्स अगर जल गए तो थोड़ा भी टेस्ट नहीं रहता, इसीलिए तो यहाँ पे दे दीजिए। बस मैं 1 मिनट 2 सेकंड के अंदर इसे फ्राई कर लेती हूँ। अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, तो मैं सबसे पहले इसमें सोजी ऐड कर रही हूँ, जो भुनी हुई सोजी थी। अभी इन सारे चीज़ों के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। 2 मिनट हो चुके हैं, 1/2 डाल के 1/2 रखी हूँ मैं, क्योंकि 1/2 ही तो ली मैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया शुगर इसीलिए। अब अगर ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डालिए, हमें एकदम बराबर खाते हैं मीठा। ज़्यादा मीठा हो गया तो हमें खाने नहीं होता, इसीलिए अभी इसे अच्छे से 5 मिनट ऐसे ही भूनूंगी मैं घी में। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप जो दूध रखी थी, वो दूध को ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करूँ, एकदम क्रीमी मिल्क है। देख लीजिए अभी भी कितना गाढ़ा है। तो देखिए अभी मैं इसे अच्छे से सारे चीज़ों में मिक्स कर लेती हूँ सोजी के साथ अच्छे से। अभी मैं इसे 5 मिनट तक इसे ही भूनूंगी, ऐसे ही पका लेती हूँ। इस पर फास्ट कर रही हूँ गैस का आंच। तो चलिए 5 मिनट बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, देखने में हमारी खीर कितनी अच्छी लग रही है, तो देख लीजिए। तो चलिए 5 मिनट होने, 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारी खीर अच्छे से पक रही है। अभी मैं ऑफ कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी खीर कितने अच्छे से पक चुकी है। चलिए मैं ऑफ कर रही हूँ गैस। अभी मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा चुकी हूँ। देख लीजिए हमारी खीर, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी खीर पक चुकी है। देखने में कितनी अच्छी है, खाने में भी उतनी ही मजेदार है। चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं हमारी खीर सर्व कर चुकी हूँ। तो आप भी देख लीजिए, देखने में कितनी अच्छी है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। ईजी है, जो घर में ही उसी चीज़ों से एकदम मज़ेदार खीर बनके रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।